आज हम देखेंगे गॉसस लॉ का एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अब इनफाइनाइट लॉन्ग का मीनिंग क्या हुआ कि किसी वायर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट उसके बहुत पास में हो, उसके लेंथ के कंपैरिजन में, उसके उस पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए है और एक वायर है, कुछ लंबा वायर है, तो उसमें हम नहीं अप्लाई कर सकते डायरेक्टली। तो हम गॉसस लॉ का यूज करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। गॉस लॉ का यूज करने के लिए हमको एक सरफेस चाहिए, कि क्लोज सरफेस जिससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। एक बार फार्मूले से निकालेंगे, एक बार गॉस लॉ का यूज करके निकालेंगे। और फार्मूले से फ्लक्स निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसके लिए हम ऐसी गॉसियन सरफेस लेंगे जिसमें सिमेट्री हो, ऐसी सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बन जाए, एक जैसा हो, डायरेक्शन भी एक जैसी हो। तो वायर के आसपास एक ऐसी स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सरफेस हमको लेना पड़ेगी। तो एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है। उस वायर से आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं कि इस वायर को एक्सल मानकर हम आर रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, जो कि क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होगा। यह पैक सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, आर रेडियस और एल लेंथ का, लेंथ हमने अपनी इच्छा से इमेजिन कर ली, स्मॉल एल लेंथ और स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंडर है। अब पहली चीज तो यह कि इस वायर से किसी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, उसको हम ले सकते हैं। जैसे ये पार्ट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कुछ डिस्टेंस पर यहां एक पार्ट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर यहां से नीचे एक पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट होंगे ऊपर और नीचे, उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, बट उन सबका जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रेडियली आउटवर्ड ही आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अवे फ्रॉम द वायर होगी इफ चार्ज इज पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स वायर होगी इफ चार्ज इज नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया इस वायर पर, तो जस्ट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन करी। अब यहां पर देखो, ये जो सर्कुलर सरफेस है इसका एरिया मैंने ले लिया S1 और इसका ले लिया S2, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया ले लिया S। एक बात अपनों को क्लियर है कि किसी भी सरफेस का एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस का एरिया किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस सरफेस का एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों सर्कुलर सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो इनका जो एरिया है वो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर वेक्टर S1 और वेक्टर E के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये बात क्लियर? सरफेस का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होगा यहां पर भी और यहां पर भी। तो इन दोनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये वाली जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर सभी तरफ ऐसे, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही है। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच में एंगल जीरो है। तो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फाइ इज इक्वल टू ई इंटू एस वन इंटू कॉस 90 डिग्री, ई इंटू एस टू इंटू कॉस 90 डिग्री, प्लस ई इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। यहां पर कर्व्ड सरफेस का एरिया एस, एस और ई के बीच का एंगल इसके लिए जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। कॉस 90 इज जीरो, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी और ये बचेगी सिर्फ। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी फाइ इज इक्वल टू ई इंटू एस। व्हाट इज एस हियर? एस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। एल लेंथ और आर रेडियस के सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRL। सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL। इस ई की वैल्यू हमको फाइंड करना है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम गॉसियन लॉ का यूज करते हैं उसी फ्लक्स को फाइंड करने के लिए। गॉस लॉ क्या है? फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज फाइंड करते हैं, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं। तो इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना है? चार्ज इस वायर पर है, और इसके अंदर वायर है एल लेंथ का, इसके अंदर जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है? एल।
अब इस पर चार्ज कितना है वायर पर, तो हम एज्यूम कर लेते हैं पर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, तो इसके अंदर वायर कितना है एल लेंथ का है, तो एल लेंथ पर चार्ज कितना होगा लैम्डा एल, सो टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज लैम्डा एल, सो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ फाइ फ्लक्स इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके दिस इज इक्वेशन टू. Now by comparing equation in 1 and 2, because both are flux, we get E into 2 pi RL equal to lambda L upon epsilon naught. L से L cancel हो जाएगा, L अपनी इच्छा से हमने लिया था, कितना भी ले सकते हैं, कोई भी value ले सकते हैं, तो वो cancel हो जाएगा. तो E मिल जाएगा हमको यहाँ से lambda upon 2 pi epsilon naught R. Epsilon naught R. अब देखो सब constant है R के अलावा, lambda चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं इसको. अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एक फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे पहले देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और यहां पर ध्यान रखना है ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या डिफरेंस आएगा, वहां स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे रैपिडली डिक्रीज होगा, यहां लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा. ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए था, गॉस लॉ से हम इनफाइनाइट लेंथ के वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाए हैं. फाइनाइट लेंथ के लिए भी चाहिएगा, उसको मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें कूलम्स लॉ का यूज करके हम फाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट लेंथ दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे.